दोस्तों ये देखिए, जो हमारी सिलाई मशीन है, जैसे हम सेट होती है ना, सेट की कन्नी बनाते हैं कूलर की, ये तो हम इतनी सिलाई करते हैं कि बारीक सिलाई करते हैं इस पर। ये देखिए आप नज़दीक से थोड़ा सा, इसमें क्या है होता है दोस्तों, जो दांता की सेटिंग है ना बाजी मशीन में, जैसे इसको कपड़े को चलाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर सिलाई नहीं करती। हमारे जो सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूवर्स है, वे हमसे जो है मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसी वीडियो बनाए जो सेट सेट पे, जो बारीक करनी पे सिलाई मशीन जो है अच्छे से चले, उस पे जो है कपड़ा जो है रुके ना, अच्छे से जो है सिलाई करती रहे। तो मैं आज इसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है ना ऐसे निकाल लेंगे, और आपको तो मालूम है जैसे सेट की करनी होती है कितनी बारीक करनी सिलती है, जैसे कि आस्तीन होती है, आस्तीन होती है ना सेट वगैरह की, यहाँ की आस्तीन होती है, और जो बटन लगते हैं वहाँ पे बहुत बारीक करनी होती है, तो वहाँ पे जो है मशीन जो है काफ़ी दिक्कत करती है। तो इसको धागे को निकाल लेंगे, और दांत की सेटिंग क्या करनी है आपको गौर से देखना दोस्तों। इसको डब्बे को नीचे से निकाल लेंगे, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए, आपकी सिलाई मशीन कभी भी दिक्कत नहीं करनी ये सेटिंग अगर आपने कर ली। इसको पैर को खोल लेंगे दोस्तों, इसको पैर को खोलने के बाद, तो दोस्तों जो आज मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ ना, जो दांत की सेटिंग है उसकी, अगर आपने सेटिंग कर ली ना, तो आपकी जो है सिलाई मशीन की जो सिलाई करते हैं शर्ट वगैरह पे, जो कन्नी बनाते हैं, बारीक कन्नी बनाते हैं, तो इस पर कभी भी दिक्कत नहीं करने की दोस्तों। दोस्तों अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जल्दी कर ले। तो दोस्तों मैंने जो है ना अपना फेसबुक पेज बनाया है A4 आरिफ, और उस पर मैंने जो है ना एक चिमटे की वीडियो डाली है। चिमटा जब डालते हैं ना, जैसे कि मैं नया चिमटा डालते हैं, उसमें जो है क्या होता है कि एक चाल में तो अंदर चलता है, दूसरी चाल में बाहर चलता है, उसमें ऐड होता है, मशीन जो है भारी चलती है काफी। तो मैंने दोस्तों वो वीडियो है ना बड़ी स्पेशल में आपके लिए जो है फेसबुक पेज पर डाली है, जल्दी से हमारे फेसबुक पेज पर जाए और फॉलो भी कर ले, और उस वीडियो को जरूर देख ले दोस्तों। दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, हमारे पेज को जल्द से जल्द जो है फॉलो कर ले, ज्यादा ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ाए। उस वीडियो को दोस्तों मैंने बहुत ही स्पेशल में बनाया कि क्या होता है, हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वे चिमटा और चाल नया डालते हैं, उसमें काफी परेशानी होती है, तो मैंने सोचा कि जो है स्पेशल में वीडियो बना के अपने फेसबुक पेज पर डाल दूं। तो मैंने आपको जो है आज बताया है, और मैं उसका लिंक भी जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाके मेरा जो है फेसबुक पेज खुल जाएगा, और वो वीडियो को जरूर देखना और फॉलो तो ज्यादा से ज्यादा करना। तो इस वीडियो को देखिए, स्टार्ट करते हैं कि ये सेटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब हम जो सिलाई करते हैं ना, ये तीन खांचे होते हैं दांत के, ये 1 2 3। अब हम जो सिलाई करते हैं, जैसे हम सिलाई करते हैं दोस्तों, हमारी जो दांत है ना सिर्फ ये दो काम करते हैं, इधर वाले कन्नी पे अगर जो हम सिलाई करते हैं, और ये पैर है, ये पैर का आधा हिस्सा है ना, ये जो पैर है दोस्तों, ये जो आधा हिस्सा है, इस हिस्से पर ही हमारा जो है कपड़ा खींचता है ये हिस्सा, क्योंकि कन्नी पे हम जो है थोड़ा ही कपड़ा चलाते हैं, और ये दांत है ना इधर वाले, ये वाले, ये थोड़े से उठे हुए होने चाहिए। अगर आपके जो है सिलाई मशीन के दांत ये उठ रहे हैं ना और ये डाउन है, तो क्या होगा, कपड़े को खींचने की नहीं, मशीन सिलाई मशीन जो है कपड़े को आगे नहीं बढ़ाने की, यही दिक्कत आती है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको दांत को उठाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोस्तों इसके दांत के जो दोनों पेंच है ये खोल लेंगे, बट ढीले खोलने तो है नहीं, पर ये है ढीले करने हैं, जैसे इसको ढीले कर लेंगे दोस्तों। हम जो है ना कोई जो है दोस्तों गत्ता ले लेंगे, बारीक गत्ता, ज़्यादा मोटा ना हो, जैसे ये है, ठीक है। और ये जैसे पेंच हमने ढीले कर लिए इसके इधर साइड में, इधर साइड में, यहाँ पर आधे हिस्से में यहाँ पर आ जाएगा ये। क्या होगा दोस्तों, इधर के जो दांत हैं ना हल्के से डाउन हो जाएंगे और ये उठ जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको करके। वैसे तो दोस्तों हमारी जो सिलाई मशीन है बिल्कुल ओके है, पर मैं आपको जो है वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे सेटिंग करनी है, ताकि आपकी सिलाई मशीन अच्छे से चलती रहे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप उंगली फेरेंगे ना ऐसे, तो ये दांते जो है ना डाउन दिखाई देंगे और ये उंगली में टच होंगे, ये उठ गई, ये लाइन जो है ना दांत की उठ गई है। और इसमें जो है ना जैसे हम बांध लेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों पेंच को अच्छे से पहले टाइट कर लेंगे, ये भी और ये भी, और इसका जो गत्ता है ना फालतू का ये काट लेंगे ऐसे, अच्छे से साफ कर लेंगे। Thank you.
ऐसे पैच कसते ही कट जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और इसमें पैर लगाएंगे। अगर आप इसमें जो है ना ऐसे कागज भी चलाएंगे ना तो कागज भी जो है ना कागज भी दौड़ेगा, कपड़ा खराब हो दो। मैं आपको चला के दिखाता हूँ दोस्तों। तो इस पे हम जैसे है ना कपड़ा रखेंगे यहाँ पर, देखिए ये सिर्फ इतने हिस्से पे चलता है ऐसे, इतनी कन्नी छीलते हैं टेलर भाई हमारे ऐसे। और ये कपड़ा जो है ना बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो सिलाई मशीन है कपड़ा नहीं खींचने की। ये सेटिंग मैंने आपको जो है दोस्तों अच्छे से समझाई है, और आगे भी आपको ऐसे ही हम समझाते रहेंगे, सिलाई मशीन को ठीक करके दिखाते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे और जल्द से जल्द हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।